रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी विगरसली अपने न्यू बाइक हिमालयन 450 की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। दे क्लेम कि हिमालयन 450 इज़ मोर पावरफुल एंड मोर ऑफ रोड केपेबल दैन हिमालय 411। सो बिफोर वी जंप इन टू दिस स्पेक्स, एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये जो अभी कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं वो बेस्ड है सिर्फ स्पाई शॉट्स पे। तो उधर से ही हम लोग ने जितना डराइव कर पाया इन्फॉर्मेशन, जितना भी हमारा की टेकअप हिस्सा, तो उनसे मैंने ट्राई करा इसमें कवर करने का। सो रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी मेहनत करा अपने नए मॉडल्स पे। उसने रिसेंटली लाइक दे हैव रिसेंटली इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स एंड दे हैव रीच्ड आउट एंड प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ गुड बाइक्स। दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड देम एज वेल। सो दे आर ट्राइंग टू कीप अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द मार्केट एंड आई थिंक दे हैव बीन सक्सेसफुल अबाउट इट। तो अगर हम हिमालयन की बात करें तो हिमालयन 450 विल बी अ कम्प्लीट न्यू बाइक एज कम्पेयर टू हिमालयन 411। ये क्लेम है रॉयल एनफील्ड का। दे आर यूजिंग अ न्यू फ्रेम विच इज़ K1। सो रॉयल एनफील्ड कॉल्स दिस फ्रेम एज K1 फ्रेम एंड दिस इज़ वाई दिस विल बी अ कम्प्लीट न्यू मोटरसाइकिल एज कम्पेयर टू 411। अगर हम इंजन की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब रॉयल एनफील्ड एक लिक्विड कूल्ड इंजन यूज़ करेगा। सो दिस विल बी अ सिंगल लिक्विड कूल्ड इंजन दैट विल जनरेट 40 हॉर्स पावर एंड 45 न्यूटन मीटर टॉर्क। यस, सो 40 हॉर्स पावर एंड 45 न्यूटन मीटर टॉर्क, ये 450 cc का इंजन होगा जो कि आई थिंक इज़ वेरी गुड इफ़ यू टॉक अबाउट मिड रेंज बाइक्स। तो यार अगर मैं इसे पूछो, माई पर्सनल ओपिनियन हियर इज़ कि अगर कोई बाइक के पास ये स्पेसिफिकेशंस है सो दिस बाइक विल डेफिनेटली गो द डिस्टेंस टारमैक पे। टूरिंग में तो हेल्प करेगा ही, प्लस ये जो टॉर्क है दिस विल ऑल्सो गिव यू दैट ग्रंट जो आपको ऑफ रोड में चाहिए। अगर न्यू एडिशंस की बात करें तो कुछ स्पाई शॉट्स में हमें दिखा है एक डिजिटल मीटर। तो ये एक सिंगल मॉड्यूल डिजिटल मीटर है विच आई एम अज्यूमिंग कि सारा डिटेल्स इसके अंदर ही होगा। प्लस फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट आई हैव हर्ड दिस विल सपोर्ट ब्लूटूथ एज वेल। सो दिस इज़ अ गुड एडिशन। इसके अलावा दे आर यूजिंग USD फोक, ठीक है। तो इनका USD फोक है एंड इस पर ट्रैवल कितना है या इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा इस पर हमें अभी कोई नंबर्स नहीं है। मैंने काफ़ी खोजने का ट्राई करा बट वी डू नॉट हैव एनी रूमर्स एज वेल अराउंड दिस। इसके अलावा एक और स्पाई शॉट आया था, ये एक एक्सीडेंट का था। तो ये एक प्रोटोटाइप था जिसका एक्सीडेंट हुआ था इंडिया में ही किसी टाउन में। तो अगर इफ वी ब्रेक डाउन द इमेज तो इसमें सबसे पहले तो हमें दिखता है कि 21 inch स्पोक व्हील्स है फ्रंट में एंड 17 inch रेयर में, विच इज़ अ गुड थिंग। 21 inch इज़ अ रियली गुड थिंग बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर ट्यूब टायर्स। तो अगर आप स्क्रीन देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्यूब टायर्स है विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटमेंट फॉर सम ऑफ अस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 21 inch इज़ अ ग्रेट एडिशन। इसके अलावा प्लस स्प्लिट सीट मिलेगा इस हिमालयन 450 को। अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू हिट द मार्केट्स अराउंड सितंबर 2023। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हिमालयन 450 एंड आई थिंक दिस विल बी अ गुड बाइक। अब जहाँ तक बात आता है कि यार ये KTM 390 को कॉम्पिटिशन दे पाएगा या नहीं, तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉल। बट आई फील कि ये दे पाएगा प्रोवाइडेड वॉट रॉयल एनफील्ड इज़ क्लेमिंग वो सही हो। तो उनका क्लेम है कि ये लाइट वेट है, लाइटर देन 411 है, ठीक है। ऑफ रोड केपेबिलिटीज़ आर बेटर देन 411, ट्रैवल सस्पेंशन एंड ग्लव क्लियरेंस आर मोर देन 411। तो अगर ये इस पैरामीटर्स में ये लोग सक्सेसफुल होते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू, देन आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ हेड ऑन कॉम्पिटिशन विद 390 एडवेंचर। तो लेट्स वेट एंड सी कि ये कैसा टर्न आउट होता है। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच कंटेंट्स।